हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। बच्चों कैसे हो आप लोग, क्या हालचाल है? तो बहुत सारे शॉर्टकट्स, बहुत सारे ट्रिक्स हम रोज देख रहे हैं। आज एक और दिन, और आज का ट्रिक बहुत ही सिंपल, राइट? बहुत मजा आएगा आपको देखने में। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का ये ट्रिक है। हम एपिसोड 18 लेके आए हैं जुगाड़ का। तो आज हम ये सारे क्वेश्चंस, अगर मैं कहूँ ये सारे चारों के चारों क्वेश्चंस आप विद इन 30 सेकेंड्स कर सकते हो, तो क्या कहोगे? यस बच्चों, इट इज पॉसिबल। आप ये चारों के चारों क्वेश्चंस 30 सेकेंड्स में कर पाओगे। ऑल फोर आई एम सेइंग। सर क्वेश्चन देख के तो बहुत टफ लग रहा है। इसमें कैपिटल आर क्या है, कैपिटल एस क्या है, ये भी नहीं पता मुझे। ट्राइंगल, ये डेल्टा, ये सब क्या है सर? बिना पता रहे भी हम लोग विद इन सेकेंड इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट हियर। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन डायमेंशंस। पढ़ा है कभी डायमेंशन आपने ना? डायमेंशन ये वर्ड पढ़ा है? यस, फिजिक्स में पहला ही चैप्टर होता है, यूनिट्स एंड डायमेंशन, राइट? तो ये आज डायमेंशंस के ऊपर है। तो जब भी आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस करते हो, राइट, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन करते हो, जेईई मेंस में या सीटी में, तो आप डायमेंशन पे हमेशा ध्यान रखिए। फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैं कहूं कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी आर लेंथ्स लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ अ ट्राइंगल, तो बेटा अगर ये लेंथ है तो इनका डायमेंशन क्या होगा? इनका डायमेंशन होगा एल, इजंट इट? है ना, डायमेंशन क्या होगा? एल होगा, पहली बात। ओके, अगर आपको पता है कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये क्या है? सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस, हमने पढ़ा है ना, सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस, तो इनका डायमेंशन क्या होगा? तो सर रेडियस क्या होता है, क्या होता है बेटा? वो भी एल होता है, मीटर, राइट? अगर सेंटीमीटर ऐसे कुछ एल। थर्ड, अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप हमेशा डिनोट करते हो डेल्टा से। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा? मीटर स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर, इजंट इट? तो डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए। जैसे सेमी पेरीमीटर के बारे में बात करूं, एस एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? तो लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ, मतलब इट इज नथिंग बट लेंथ, है ना? यस सर। अच्छा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डायमेंशन क्या होगा? जैसे साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब अपोजिट साइड भी लेंथ में होगी और हाइपोटेनस भी लेंथ में होगा, तो आई कैन से इट इज डायमेंशनलेस। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, क्यों? क्योंकि कट हो जाएगा ना बेटा, ऊपर नीचे कट। वैसे ही कॉस थीटा, टैन थीटा, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशनलेस, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है? तो आपको ना हल्का फुल्का ये समझना पड़ेगा कि डायमेंशंस क्या होते हैं, ठीक है? डायमेंशंस मतलब वो लेंथ में है, मीटर में है, मीटर स्क्वायर में है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, राइट? तो दैट इज हाउ डायमेंशंस वर्क। बस इन्हीं को देखते हुए हम क्वेश्चंस करने वाले हैं आज के। ओके बच्चों, तो गॉट इट, कॉन्सेप्ट क्लियर? लिखना है ये लिख लीजिए, आप पीडीएफ भी शेयर हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। आप अभी तक अगर टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो गणित अंक नाम है, राइट? यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम, सबका गणित अंक नाम है, तो आप फटाफट फटाफट, राइट, कनेक्ट हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड यस, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। हाँ, जुगाड़। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप बताइए, इसका आंसर क्या होगा? एक लुक ओवर हियर, है ना, इस क्वेश्चन को देखिए अच्छे से। देखो, ऊपर में कॉस ए है, इसका कोई डायमेंशन है? नहीं। नीचे में साइन बी है, कोई डायमेंशन? नहीं। सी है, इसका डायमेंशन है, तो वन अपॉन लेंथ हुआ, नीचे लेंथ आई है, ये साइन कॉस में तो कोई डायमेंशन नहीं है। फिर प्लस नेक्स्ट भी वन बाय लेंथ और नेक्स्ट भी वन बाय लेंथ, क्यों? क्योंकि कॉस बी साइन सी कोई डायमेंशन नहीं रखता, सिर्फ ए का लेंथ होगा, राइट, इसका बी का लेंथ होगा, तो सारा डायमेंशन जो नीचे, तो कहना है इसका डायमेंशन इज एल इनवर्स या वन बाय मीटर ऐसा। तो क्या मेरा ऑप्शन वन आंसर हो सकता है? इसका डायमेंशन क्या है? सिर्फ एल है सर, ये नहीं हो सकता, राइट? फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि उसका डायमेंशन अलग है। सेकंड भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसका भी डायमेंशन लेंथ, थर्ड वन बाय लेंथ हुआ और फोर्थ वन बाय लेंथ स्क्वायर हुआ, ये भी नहीं हो सकता। तो देयरफॉर माय आंसर इज ऑप्शन सी। कितना सेकंड्स लगा? हार्डली 5 सेकंड्स, करेक्ट? यस, 5 और 10 सेकंड्स अगर आप आराम से पढ़ते भी हो तो। डायमेंशन का कमाल है सर, एक बार फिर
देखो कॉस ए साइन बी ये सब जो है डायमेंशनलेस, तो इसमें डायमेंशन किसका है, सिर्फ और सिर्फ साइड का, तो 1 बाय लेंथ हुआ है ना, ये भी 1 बाय लेंथ, ये भी 1 बाय लेंथ, तो तीनों का एडिशन डायमेंशन के हिसाब से 1 बाय एल ही होगा। तो पहला ऑप्शन का डायमेंशन एल हुआ, सेकंड का भी एल, थर्ड का 1 बाय एल, तो देयरफॉर द आंसर इज थर्ड ऑप्शन, राइट। अरे वाह सर, बहुत मजा आ गया, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों सीईटी में। हाँ मेंस में भी अगर आप लकी हो तो आ सकते हैं, ध्यान देना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट सी, देखो आर वन आर टू मतलब एल पहला भी और सेकेंड भी एल, अब थर्ड जो है रूट में ऊपर में भी सब प्लस माइनस है मतलब एल होगा, और नीचे भी प्लस है तो एल होगा, तो ये और ये तो कैंसिल, तो दिस इज नथिंग बट एल स्क्वायर, राइट। आप सबको डायमेंशन के टर्म में लिखना स्टार्ट करो, रेडियस एल एल, एडिशन सब्ट्रैक्शन से एल प्लस एल, डायमेंशन में वो एल ही रहता है, ठीक है। अब चलो एक एक ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन एल प्लस एल, तो और सेक का तो कोई डायमेंशन नहीं, तो इसका क्या होगा, एल होगा, इट इज नॉट अवर आंसर बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर एल स्क्वायर। 3 बार है ये, एल इंटू एल इंटू एल, तो ये तो एल क्यूब हो जाएगा ना बेटा, तो ये भी नहीं है। डेल्टा मतलब लेंथ स्क्वायर, इजंट इट, मीटर स्क्वायर होता है ना डेल्टा, यस, तो सर ये मैच कर रहा है, क्या ये आंसर है, हाँ, लेकिन हम एलिमिनेट करेंगे बाकी ऑप्शंस को। फोर्थ सिर्फ एस है, एस मतलब लेंथ एल, देयरफॉर आंसर इज अगेन ऑप्शन 3, है ना बेटा, समझ में आ रही है बात, डायमेंशन को लेके कितना आसान, बहुत अच्छा लग रहा है सर। बच्चों ये क्वेश्चन जो है थर्ड, ये सीईटी में आया हुआ है, कोई और सीईटी में आया हुआ है, राइट। अब यहाँ पे भी आप डायमेंशन देखो कैसे वर्कआउट होंगे, ए मतलब आप डायमेंशन को एल, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये एल स्क्वायर हो गया, इजंट इट, फिर कॉस ए का कोई डायमेंशन नहीं, प्लस अगले वाले में बी इंटू एल इंटू अंदर एल स्क्वायर हो जाएगा, फिर एल इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐड होने का मतलब डायमेंशन विल बी इन मीटर क्यूब और एल क्यूब, एल क्यूब मेरा आंसर होना चाहिए। अब फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या है बेटा, एल 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 स्क्वायर, तो ये तो एल पावर 4 हुआ सर, तो ये नहीं होगा। सेकेंड 2, फिर बाद में एल स्क्वायर एल इंटू एल, तो ये भी एल पावर 4 हुआ, ये भी नहीं होगा क्योंकि मुझे तो एल क्यूब चाहिए था। यहाँ पे देखो एल एल एल, तो ये एल क्यूब हो गया सर, दिस कैन बी योर आंसर। फिर फोर्थ देखो पहले एल एल स्क्वायर एल, तो ये भी एल पावर 4 हुआ, ये भी नहीं होगा, तो आई कैन क्लियरली सी ऑप्शन 3 इज अवर आंसर। आप देख रहे हो बड़े आराम से समझ लो, आप जो भी रेडियस है जो भी साइड्स है उसको हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एडिशन में भी आप ही बताओ ना, 10 मीटर प्लस 20 मीटर, इट विल बी इन मीटर ओनली, राइट, एल प्लस एल इज गोइंग टू बी एल, सिंपल एज दैट। अब लास्ट एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, हाँ फटाफट, तो अल्फा बीटा गामा आर लेंथ्स, लेंथ्स मतलब एल, कॉस का कोई डायमेंशन नहीं है, इसका डायमेंशन एल, तो ये 1 बाय एल हुआ, नेक्स्ट भी 1 बाय एल, नेक्स्ट भी 1 बाय एल, तो बेटा इसका डायमेंशन तो 1 बाय एल ही रहा ना। चलो लेट सी द ऑप्शन, पहला ऑप्शन एल स्क्वायर, मेरा आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन 1 बाय डेल्टा मतलब 1 बाय एल स्क्वायर, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड एल, ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ 1 बाय एल, यस सर, मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बहुत सारे बच्चे है ना इसको आराम से सॉल्व कर रहे होते, ठीक है, इफ यू नो द फॉर्मूलाज यू कैन डू दैट, बट जब भी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगुलर क्वेश्चन आएगा, आप चारों नहीं तो एटलीस्ट कुछ ऑप्शंस हमेशा कट कर सकते हो यूजिंग डायमेंशन अप्रोच। कभी कभी होता है कि चारों आंसर्स में से दो ऑप्शंस कट हो जाएंगे, नाउ यू हैव बेटर चॉइस कि आप ये दो में से कौन सा आंसर होगा, आप अच्छा और देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया डायमेंशंस को यूज कैसे करना है। सो अगर आपको समझ में आया तो आई वुड बी वेटिंग टू नो द आंसर्स ऑफ दिस टू क्वेश्चंस, ये आपके स्टार क्वेश्चंस है आज के, ठीक है। तो ये फिफ्थ और सिक्स्थ जो दो स्टार क्वेश्चंस है, डायमेंशन के ऊपर ही इसको सॉल्व करना है। और वीडियो कैसे लगा फीडबैक देना है, कमेंट करना है, लाइक और शेयर पक्का करना है बेटा। तो ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही क्वेश्चंस शॉर्टकट में, ट्रिक्स में कैसे सॉल्व करते हैं फॉर जेई मेंस, फॉर सीईटी, हम फटाफट सीखेंगे। तो ये सीरीज जो है जुगाड़, ये आपके लिए रोज वीडियो लाएगी। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू।